गाइस आज तो शिनचैन और चौब के स्कूल में मुझे भी बुलाया गया है, क्योंकि आज शिनचैन और चौब के स्कूल में आप लोग देख सकते हो एनुअल फंक्शन है, और देखते हैं शिनचैन और चौब और राजू और जग्गू का कौन सा नंबर आता है। वैसे इन लोगों ने तैयारी की भी है कि नहीं, मेरे पीछे देख सकते हो शिनचैन और चौब खड़े हैं और आगे राजू और जग्गू। बस थोड़ी देर बाद अनाउंस होने वाला है शिनचैन और चौब का नाम, या फिर राजू और जग्गू का नाम अनाउंस होगा, या फिर किसी और का नाम। पर मैं गाइस काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, देखता हूँ कि कौन फर्स्ट आता है इस दफा एनुअल एग्जाम में। गाइस आप लोगों को क्या लगता है, शिनचैन और चौब आएंगे फर्स्ट या फिर राजू और जग्गू? तो गाइस खड़े होकर सुन लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या कहने वाले है। पहले तो मैं वेलकम कहना चाहता हूँ उन सबको जो यहाँ पर आए, और उसके बाद उन सब बच्चों को जिन्होंने एनुअल एग्जाम की तैयारी की है, और उसके बाद एनुअल एग्जाम में काफी ज्यादा मेहनत की। अब देखते हैं हमारे स्कूल का नाम किसने रोशन किया है, तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। वैसे काफी ज्यादा देर मैं नहीं लगाना चाहता, क्योंकि हमारी मीटिंग अभी बहुत बड़ी होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं उनके नाम अनाउंस करना चाहता हूँ, उसके बाद बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है स्कूल के अंदर, तो सब एंजॉय करना, जाना कहीं भी नहीं। आज का दिन इस स्कूल के नाम, सबसे पहले तो मैं 12th क्लास के बच्चों के नाम अनाउंस करवाना चाहता हूँ जिन्होंने स्कूल के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो पहली लड़की का नाम है रिकी, और अब देरी खत्म हो चुकी है क्योंकि अब मैं छोटी क्लास के बच्चों का नाम अनाउंस करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन हासिल की है उस बच्चे का नाम है शिनचैन, और सेकंड पोजीशन हासिल करने वाला कोई और नहीं बल्कि चौब है। इन सबको मैं स्टेज पर बुलाने के लिए कहूंगा, तो ये सारे स्टेज पर आ जाएं क्योंकि इनको इनाम तकसीम होने वाले हैं। अरे शिनचैन और चौब जल्दी करो, तुम लोगों का नाम बोल रहा है प्रिंसिपल। अरे यार ये बोल क्यों नहीं रहे, ये क्या शिनचैन और चौब कहाँ पर गए? ये दोनों तो अभी यहीं पर थे मेरे पीछे, अचानक से गायब कहाँ पर हो गए ये? अरे इन दोनों ने तो पोजीशन हासिल की है गाइस, मुझे लगता है ये दोनों अब नहीं जा पाएंगे तो इनाम किसे मिलेगा? शिनचैन और चौब कहाँ पर चले गए? मेरे पीछे ही थे गाइस, मुझे लग रहा है बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। एक मिनट, अब ये मुझे किसकी कॉल आ रही है, मुझे फोन उठानी पड़ेगी। गाइस ये तो अननोन नंबर है, अरे मुझे उठाकर चेक करना पड़ेगा कि कौन बोल रहा है। अरे हाँ कौन बोल रहा है? मेरी बात गौर से सुनो फ्रैंकलिन, मुझे पता है तुम शिनचैन और चौब को ही ढूंढ रहे हो, अचानक से ये दोनों कहाँ पर गायब हो गए, तुम काफी ज्यादा परेशान हो रहे हो गे। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम इन दोनों को सेफ चाहते हो तो तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। अरे पर बोल कौन रहा है, मुझे के देख शिनचैन और चौब को यहाँ पर भेज दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं सुपर हीरो को फोन करने वाला हूँ। ऐसी गलती ना करी, अगर तूने सुपर हीरो को फोन की तो ये शिनचैन और चौब नहीं बचेंगे। अरे अच्छा मेरी बात सुन, तू कहना क्या चाहता है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मेरा एक सूट तुझे मिल जाएगा, मेरे सारे सूट चोरी हो चुके हैं, और अगर तू मेरे उन सूटों को वापस ले आता है तो शिनचैन और चौब को मैं दोबारा से उसी जगह पर छोड़ दूंगा जहां से मैंने उन दोनों को उठाया था। मुझे पता है तू देरी नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ तेरे पास एक ही घंटे का टाइम है, और एक घंटे के अंदर तूने मेरे वो पांचों सूट कलेक्ट करके वापस लाने हैं। पर बोल कौन रहा है, मुझे बता तो सही। मैंने तुझे लोकेशन भेज दिया है, इसी स्कूल के अंदर तुझे मेरा सूट मिल जाएगा और तुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। ये क्या गाइस, इसने तो कॉल कट कर दी, और प्रिंसिपल बार बार बुला रहा है शिनचैन और चौब को। मुझे लगता है मुझे प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा एक घंटे के अंदर उन दोनों को मैं लेकर आता हूँ, तो जल्दी से चला जाता हूँ। गाइस मुझे पता नहीं था कि ये सब कुछ होने वाला है। प्रिंसिपल साहब मेरी बात गौर से सुने, शिनचैन और चौब को किसी ने किडनैप कर लिया है, बस मुझे एक घंटे का टाइम दें, आप यहाँ पर फंक्शन को शुरू करें, उन दोनों को मैं लेकर आता हूँ, ये प्राइज तो उन्हें को मिलकर ही रहेगा। ठीक है, पर एक घंटे से ज्यादा मैं रुक नहीं पाऊंगा क्योंकि उन दोनों का नाम अनाउंस हो चुका है और लोग भी काफी ज्यादा बेताब हो रहे हैं। ठीक है प्रिंसिपल सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक घंटे का टाइम दिया। राजू और जग्गू तुम दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि शिनचैन और चौब को जो प्राइज मिलने वाला था वो तुम दोनों का भी तो है। शिनचैन और चौब को कोई उठा कर ले गया है, मुझे लगता है ना शिनचैन और चौब को वापस लाना पड़ेगा। अरे मुझे पता था शिनचैन और चौब भी फंसाएंगे, इसलिए हमने उसे किडनैप करवाया है, हमने उसे लोकेशन बताई थी क्योंकि वो हमें उठा कर लेकर जाने वाला था। अब मैं फ्रैंकलिन को नहीं बताऊंगा कि वो कौन है। अरे राजू तू क्या गुजर गुजर कर रहा है, टाइम नहीं है, मुझे लगता है जाना पड़ेगा। गाइस ऐसा कौन कर सकता है, आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। ओके मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लोकेशन तो इसी साइड की बताई थी उसने। तो गाइस भाग कर निकलते हैं, देखते हैं कि कौन है, किसका सूट है वो। एक मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ, सामने की तरफ तो थेनोस का सूट है, लगता है ये थेनोस ने ही सब कुछ किया है। गाइस ये दोनों जन भी इस साइड पर बैठे हुए हैं, इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये दोनों तो भाग कर निकल चुके हैं, मुझे लगता है अब थेनोस का ये सूट पहनना पड़ेगा क्योंकि थेनोस तो काफी ज्यादा खतरनाक
खतरनाक है। अगर उसने अपने गोल लेट से चुटकी बजा दी, वैसे उसके सूट उसके पास नहीं तो वो चुटकी कैसे बजा सकता है। लेकिन अभी भी खतरे से बाहर नहीं है सिंचना चौप। मुझे सिंचना चौप की मदद करने के लिए थानोस के ये सूट वापस लाने होंगे। तो गाइस मैं जल्दी से सूट को पहन लेता हूँ। 1 2 3 एंड गो। फाइनली गाइस ये सूट तो मैंने पहन लिया है, अब मुझे जाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करूँ, मुझे तो पैसों की जरूरत होगी क्योंकि थानोस का ये सूट तो थानोस के ऑनलाइन स्टोर पर किसी ने बेच दिया होंगे। तो मुझे जल्दी से भाग कर निकलना होगा। गाइस सिंचना चौप को वो प्राइस मिलना ही चाहिए ताकि लोगों को पता तो चले सिंचना चौप कितने ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। लिटरली गाइस मुझे पता नहीं था ये सब कुछ होने वाला है। तो भाग भाग थानोस। गाइस मैं इस साइड पर भाग कर तो आ चुका हूँ और मुझे एक मिनट, ये किसकी आवाज सुनाई दे रही है? इस साइड से तो काफी ज्यादा शोर आ रहा है गाइस, मुझे जाकर देखना पड़ेगा एक मिनट। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ, इतने ज्यादा स्किबिडी टॉयलेट। अरे गाइस स्किबिडी, यस यस, ये तो वो वाला टॉयलेट है। गाइस अगर वह गया कहीं पर ये मुझे भी टॉयलेट ना बना दे। अपने शहर में ये कैसे आ सकते हैं, अभी तो मैं टीवी पर ही देख रहा था कुछ दिन पहले इन सबको। गाइस ये मुझे नहीं पता था कि अपने शहर के अंदर भी इन लोगों का अटैक हो सकता है। मुझे बचाना पड़ेगा इन लोगों को, इन्होंने तो काफी ज्यादा लोगों को बंदी बना कर रखा है। अरे स्किबिडी टॉयलेट, तुम लोग बचने नहीं वाले क्योंकि थानोस तुम लोगों को अब छोड़ेगा नहीं। गाइस एक एक करके इन सबको मारना पड़ेगा, ये तो ही शहर के गुंडे हैं। लगता है स्किबिडी टॉयलेट अभी इन सबको, गुंडों को इस टॉयलेट में कन्वर्ट कर रहा है। अरे तुम सब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सबको मैं मारने वाला हूँ चुटकियों में। गाइस मुझे लगता है अब इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो आप लोग रेडियो मेरे साथ, पहले तो मैं इसे मारता हूँ स्किबिडी टॉयलेट को। अरे भाग कर निकलो तुम लोग क्योंकि ये सारे स्किबिडी टॉयलेट अब मेरे हाथों से मारे जाएंगे। तो रेडियो जाओ तुम लोग क्योंकि खतरनाक किस्म का टोर्नाडो आने वाला है। गाइस क्या ही खतरनाक किस्म का टोर्नाडो था, सारे के सारे स्किबिडी टॉयलेट मारे जा चुके हैं। अरे कहां पर गई इनकी मुंडी, तो बाहर निकली हुई थी लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि मेरे पास थोड़ी बहुत तो पावर है। और एक और अच्छी बात, इन स्किबिडी टॉयलेट को मारने की वजह से गाइस मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। हाँ मुझे लगता है थानोस का नेक्स्ट सूट मिल सकता है, तो जल्दी से मैं जंप करता हूँ। फाइनली मेरी जंप कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। ओके गाइस जंप मार के तो मैं छत पर आ चुका हूँ, तो जल्दी से मुझे लगता है थानोस का मुझे सूट बाय कर लेना चाहिए। तो आप लोग रेडियो मेरे साथ, 1 2 3 एंड गो। गाइस पहला सूट तो मैंने बाय कर लिया है, यानी मेरे पास थानोस के 2 सूट आ चुके हैं। 3 सूट और कलेक्ट करने हैं मुझे और इसके अंदर पावर भी है, मुझे फ्लाई करके देखना पड़ेगा। ओके क्या ही मजे से मैं फ्लाई कर रहा हूँ। एक मिनट, इस साइड पर तो मुझे कुछ गुंडे नजर आ रहे हैं, ये क्या, इन लोगों ने भी किसी को किडनैप करके रखा है। अरे ये शहर में हो क्या रहा है। फाइनली उस बंदे को तो मैंने बचा लिया, इन गुंडों को अब सबक सिखाना पड़ेगा। अरे क्या ही जोर जोर से मैं पंच मार रहा हूँ इन्हें। अब तो गाइस मेरे पास थानोस का ये वाला सूट आ चुका है, तो आप लोग सोच सकते हो पावर मेरी बढ़ चुकी है। एक एक पंच इन लोगों के लिए काफी है। और गाइस ये खतरनाक किस्म का टोर्नाडो जो कि मैं इन्हें मार रहा हूँ, इन्हें पता नहीं लगेगा। थानोस की ये पावर तो न्यू लग रही है मुझे, या फिर गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है थानोस ने अपनी ये पावर किसी सुपर हीरो से चुराई है। तो गाइस आप लोगों को क्या लग रहा है, ऐसे कौन से सुपर हीरो की पावर है, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। क्या ये मजेदार पंच मार रहा हूँ मैं इसे, एक रह चुका था इसे भी मैंने मार डाला। गाइस सारे के सारे कुछ सीमेंटों में मारे जा चुके हैं, यानी ये पावर इतनी खतरनाक है मैं किसी खतरनाक विलन का मुकाबला भी कर सकता हूँ। बस अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे जो भी गाड़ी मेरे साथ टक्कर रही है वो तो तबाह हो रही है गाइस। गाइस कहीं पर मेरी वजह से शहर में तबाही तो नहीं हो रही। अरे भागना तो पड़ेगा ही मुझे। अरे गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ, सामने की तरफ तो सुपरमैन आ चुका है मुझे मारने के लिए। अरे गाइस मैं तो समझा आयरन मैन आएगा मुझे मारने के लिए, ये तो खतरनाक है, इससे बचना पड़ेगा मुझे। लेकिन गाइस ये रियल सुपरमैन नहीं, ये तो ब्लैक सुपरमैन है, यानी सुपरमैन का दुश्मन, ये तो एविल सुपरमैन है गाइस, इसी की गैंग थी मेरे ख्याल में वो। मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा। ये ले, मैं तो समझ रहा था ये रियल सुपरमैन है, मैं तेरे साथ हरगिज नहीं लड़ने वाला था। वो तो अच्छा हुआ मुझे समझ आ गई। गाइस देखते हैं कौन है ज्यादा पावरफुल। आप लोग कमेंट सेक्शन में गाइस थानोस ओपी तो लिखो ताकि मेरी पावर का पता चले आप लोगों को। अरे बाप रे, कांप रहा है ये, सामने से ये लेजर मारने की कोशिश कर रहा है। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, एक दफा मैं इसे शुरू हो गया ना पंच की बरसात करना तो फिर मैं रुकने वाला नहीं हूँ।
ओके, मारते मारते ये मर चुका है गाइस। ये रहा गाइस, इसके मंडी से पकड़ लिया है मैंने, इसे मैं ऊपर लेके जाऊंगा। और गाइस ये फेंका मैंने इसे, कितने ज्यादा दूर जा चुका है ये। और एक और अच्छी बात, इसे मारने के बाद मेरे पास और भी ज्यादा पैसे आ चुके हैं गाइस, यानी कि मैं थानोस का नेक्स्ट सूट बाय कर सकता हूँ अब। अरे ये तो काफी ज्यादा अच्छा हो गया, यानी कि मैं सिंचना चौक को कुछ ही घंटों में रिहा करवा लूंगा थानोस से। ओके, मैं फ्लाई करके तो FIB की बिल्डिंग के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पर मुझे कोई भी देखने वाला नहीं है। तो गाइस आप लोग रेडियो मेरे साथ, क्योंकि मैं नेक्स्ट सूट बाय करने वाला हूँ थानोस का। तो रेडियो जाओ, 1 2 3 एंड गो। ओके गाइस, ये सूट भी मेरे भाई कर लिया, आप लोग देख सकते हो कितना ही ज्यादा अमेजिंग सूट है। अब मुझे जाना पड़ेगा, और मैं फ्लाई भी काफी स्पीड से कर रहा हूँ, ये मैं गया स्पीड से, और क्या ही जबरदस्त किस्म की लैंडिंग की मैंने। जाना तो पड़ेगा ही, एक मिनट, अब ये किसकी कॉल आ रही है? ये तो थानोस की कॉल है। अबे हाँ बोल थानोस। फ्रैंकलिन मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारे लिए मैं और भी आसान कर देता हूँ, तुम्हें मैं एक लोकेशन भेजता हूँ, वहाँ पर काफी महंगा खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर ट्रक है, अगर तुम उसे चोरी कर लेते हो तो उसे सिमियन की शॉप पर भेज देना, वो काफी ज्यादा पैसे देगा। लोकेशन मैंने तुम्हें भेज दी है, आगे तुम्हारा काम है। ये क्या गाइस, अब मुझसे थानोस भी ये काम करवा रहा है। थानोस को भी पता चल चुका है कि गाड़ी चोरी करने के बाद मैं सिमियन को बेचता हूँ और मुझे पैसे मिल जाते हैं। गाइस ये तो मैं घर करके थक चुका हूँ, अब मुझे लोकेशन पर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा मॉन्स्टर ट्रक है। गाइस वैसे एक बात तो काफी ज्यादा अच्छी है, इस तरह जाते जाते और गाइस गाड़ियाँ टेस्ट करते करते मैं काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका हूँ, और नई नई गाड़ी मुझे टेस्ट करने के लिए मिली है। एक मिनट गाइस, पीछे मुझे मुड़ना पड़ेगा, मुझे लगता है यही वो लोकेशन है जो मुझे थानोस ने भेजी है। गाइस सामने की तरफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आयरन मैन है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। मैं स्पीड से गया और मेरे पास तो स्लो मोशन पावर भी है, और मैंने देख लिया इसे। गाइस सामने की तरफ तो आयरन मैन है, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। गाइस जोरदार पंच मारा मैंने इसे, और इसकी मुंडी से पकड़ लेते हैं। गाइस ये फेंका मेरे, काफी ज्यादा दूर जा चुका है। फाइनली इसी ट्रक के बारे में बोल रहा था थानोस। गाइस ये मॉन्स्टर ट्रक तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे इसके अंदर बैठ जाना चाहिए। आयरन मैन का ये ट्रक तो अब सिमियन की शॉप पर ही मिलेगा उसे। कितना ही ज्यादा अमेजिंग ट्रक है यार, ऐसा तो लॉस एंटोस के अंदर मैंने पहली दफा देखा है। आयरन मैन इतना ज्यादा रिच जो हुआ इसीलिए तो ये ट्रक लेकर फिर रहा है। गाइस मैं किसी के ऊपर भी ये ट्रक चढ़ा सकता हूँ, आप लोग देखना चाहते हो क्या ही खतरनाक किस्म की मैंने ड्राइव की। गाइस ये गिरने वाला नहीं है ट्रक, ये देखना मैं दो टायर इस गाड़ी के ऊपर चढ़ा देता हूँ। गाइस गाड़ियों की तो तबाही निकाल देता है ये ट्रक, और मुझे भगाना पड़ेगा। क्या ये बूस्टर बटन दबाया गाइस मैंने। ओके गाइस ट्रक को भगा कर तो मैं सिमियन की शॉप पर पहुंच चुका हूँ। गाइस किसी गाड़ी को भी मैंने रास्ते में छोड़ा नहीं जिसको मैंने डैमेज न किया हो। ओके ये रहा सिमियन, थैंक गॉड अपनी शॉप के बाहर ही खड़ा है। सिमियन ये लाया हुआ मॉन्स्टर ट्रक जो काफी ज्यादा अमेजिंग है, ऐसे ट्रक तूने देखा नहीं होगा लॉस एंटोस के अंदर। बस मैं इसे सेल करना चाहता हूँ, मुझे बता जल्दी से इसके कितने पैसे देगा। अरे ये ट्रक तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इस ट्रक के मैं तुझे $1,000,000 $1,000,000 दे सकता हूँ, अगर तूने बेचना तो जल्दी से बता, मैं इस ट्रक को अंदर ले जाता हूँ, क्योंकि ये ट्रक मैंने आयरन मैन के पास देखा था। अरे बस ऐसा ही समझ ले, आयरन मैन से मैं चुरा कर ले आया हूँ। ठीक है $1,000,000 दे मुझे और ये ट्रक ले ले। तो ठीक है, ये मैंने तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए है। गाइस मेरे अकाउंट में तो आ चुके हैं $1,000,000, अब मुझे जाना पड़ेगा। खतरनाक किस्म की जंप करता हूँ गाइस, जंप करके तो मैं इस साइड पर पहुंच चुका हूँ। ये कंटेनर वाली काफी ज्यादा सेफ और खतरनाक जगह है, तो आप लोग रेडियो क्योंकि मैं नेक्स्ट सूट बाय करने वाला हूँ थानोस का। मेरे पास जो $1,000,000 आ चुके हैं, तो रेडियो जो गाइस 1 2 3 एंड गो। फाइनली गाइस मेरे ये अमेजिंग सूट बाय कर लिया है, अब एक सूट ही रह चुका है थानोस का। अब मुझे जाना पड़ेगा, वो सूट भी मुझे किसी तरह करके कलेक्ट करना है। क्या स्पीड से मैं जा पा रहा हूँ। ओके गाड़ी तो मेरे साथ टच होते ही ब्लास्ट हो गई। अरे ये गाड़ी भी ब्लास्ट हो गई। अरे हो क्या रहा है शहर के अंदर, जो भी थानोस के साथ टकरेगा वो ऐसे ही ब्लास्ट हो जाएगा। काफी ही ज्यादा मजा आ रहा है मुझे तो। एक मिनट सीट यार, इतनी ज्यादा तबाही मचा रहा था, अब ये किसकी कॉल आ गई। अरे फिर से थानोस की कॉल। अरे गाड़ी तो चुरा कर दे दी मैंने सिमियन को। अरे हाँ बोल थानोस। एक और बहुत अच्छी बात है, मुझे एक और चीज का पता चला है, इस लॉस सैंटोस के अंदर एक खतरनाक चैलेंज होने वाला है।
अगर तुम वो चैलेंज जीत जाते हो तो तुम मेरा सूट बाय कर सकते हो, तो जल्दी से जाओ उस चैलेंज पर, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दिया है। अरे गाइस फिर से इसने लोकेशन भेज दिया, पता नहीं कौन सा चैलेंज होने वाला है। चलो भाग कर निकल जाते हैं यहाँ से, उस चैलेंज पर पहुँचते हैं। वैसे भी तनोज मेरा काम और भी ज्यादा आसान कर रहा है, अब सिंचना चौक को कुछ ही घंटों में मैंने पहुँचाना था, बस थोड़ा ही टाइम रह चुका है, प्रिंसिपल मेरा वेट कर रहा होगा। ओके गाइस तनोज की बताई हुई लोकेशन पर तो मैं पहुँच चुका हूँ। ये रहे वो सामने गैंग वाले जिन्होंने ये चैलेंज अनाउंस करवाया है। ओके मैं इस चैलेंज को खेलना चाहता हूँ, मुझे रूल जानने हैं और इस चैलेंज को जीतना भी है मुझे। देखो तुम तो मुझे सर्कस के जोकर नजर आ रहे हो, ये चैलेंज तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि हार गए तो मारे जाओगे। ये चैलेंज मेरा बनाया हुआ है, आज तक कोई जीत नहीं पाया, और ये खतरनाक गुंडे तूने देखे नहीं, इनके हाथ में वेपन है, तुझे मार डालेंगे ये। ठीक है 15 मिनट का टाइम दिया जाता है तुझे, 15 मिनट का टाइम, अगर तू ये जीत पाया तो जीत ले, तेरा नाम एंटर कर दिया गया इस चैलेंज के अंदर। गाइस इसने शायद मुझे कमजोर समझ के रखा है, अब मैं इसे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। अरे ये चैलेंज तो मैं कितनी दफा कर चुका हूँ, फिर से ये चैलेंज ले आता है गाइस। अपनी बाइक तो भगा रहा हूँ, इन गाड़ियों के ऊपर से मैं लेकर जा रहा हूँ अपनी बाइक को, इतनी आसानी से तो मैंने छोड़ना नहीं है। क्या स्पीड से जा रही है अपनी बाइक, और ये सामने की तरफ फिर से वीडियो गेम गाइस, सारी की सारी वीडियो गेम मैंने गिरा दी, और ये लाइफ इन्वर्टर के बॉक्सेस भी गिरा दिए गाइस। अब मैंने रुकना नहीं है, मैं काफी स्पीड से जा रहा हूँ, और गाइस अगले टायर के ऊपर पहुंच चुका हूँ, इन टायरों को भी मैंने देखा नहीं, अब मैंने स्पीड से जाना है, और सामने की तरफ रैम है उसके ऊपर पहुंचना है मैंने, क्या स्पीड से गया गाइस, और क्या ही सेफ लैंडिंग, और इस जगह पर मैं पहुंच चुका हूँ, क्या ही मजे से जा रहा हूँ मैं तो। ओके मैं गिरने वाला था, बचत होगी अपनी। सामने की तरफ फिर से सीढ़ियां रखी गई है, सीढ़ियों के ऊपर से जाना है। अरे हर दफा तो मैं सीढ़ियों के ऊपर से चढ़ के जा चुका हूँ गाइस, मुझे लगता है ना इसे अभी यकीन नहीं आ रहा क्योंकि मैं कई दफा बेस बदल के आया हूँ इस जगह पर। ओके गाइस अभी कंट्रोल करके इस जगह से लेकर जाना पड़ेगा, यही जगह थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं कि मैं कर ना पाऊँ। आप लोग मेरे साथ हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि हम लोग ये करने ही वाले हैं, और सीधा मैंने लैंड करवाया अपनी बाइक। अरे फिर से ये हेरेड तिरछे रास्ता से मुझे जाना पड़ेगा लाइफ इन्वर्टर के बॉक्स, शायद इसने मुझे कमजोर समझ के रखा है ताकि मुझे आगे कुछ नजर ना आए, और ये सारे के सारे फुटबॉल गिर चुके हैं। एक मिनट ये मैं क्या देख रहा हूँ, अरे यहीं पर ये चैलेंज कंप्लीट हो गया क्या, क्योंकि मुझे थेनोस का आखिरी सूट मिल चुका है गाइस, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अरे जल्दी से उतर कर पहनना पड़ेगा, लगता है इस चैलेंज वाले से गलती हो गई है, इतनी जल्दी मुझे ये सूट दे दिया गाइस। वाकई में आज तो किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, आप लोग रेडियो जल्दी से सूट को पहन लेते हैं, 1 2 3 एंड गो। फाइनली गाइस ये सूट तो मैंने पहन लिया, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा इस साइड से, स्पीड से मैं जा रहा हूँ, मेरी पावर भी और भी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है। अरे तनोज तेरे सारे के सारे सूट मिल चुके हैं अब तुझे, अब तो सिंचना चौक को छोड़ दे। थैंक यू सो मच फ्रैंकलिन, तूने मेरे सारे सूट वापस कर दिए, अब मैं ये सारे सूट लेने वाला हूँ। हाँ पर ले ले, पर सिंचना चौक का क्या? सिंचना चौक वहीं पर मिलेंगे जहाँ पर उनका एनुअल एग्जामिनेशन का फंक्शन होने वाला था। ये क्या किया गाइस, इसने तो मेरे सारे के सारे कपड़े भी ले लिए और अपने सूट भी ले लिया। गाइस अब तो वैसे बताओगा थनोस एक दफा तू मेरे हत्ते लग जा। गाइस अब मुझे दोबारा से घर जाना पड़ेगा और दोबारा से अपने वही कपड़े पहनने पड़ेंगे। अगर मैं इस तरह गया सिंचना चौक के एग्जामिनेशन के एनुअल फंक्शन में तो वो तो मुझे जाने नहीं देंगे। तो गाइस आप लोग यहाँ पर वेट कर रहे हो, सिंचना चौक का तो नाम आ चुका था, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ, मुझे काफी स्पीड से जाना है, जल्दी से पहले घर जाता हूँ, उसके बाद कपड़े चेंज करने के बाद सिंचना चौक के स्कूल में जाऊंगा। तो आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।